मूर्तियाँ पड़ी हैं, बुद्धा की मूर्ति पड़ी है, मूर्ति बनाई हुई है, एंड महाकाल जो इन होते हैं प्रोटेक्टर ऑफ द टेम्पल उनकी मूर्ति है, एंड देर आर मोर देन 1000 बुद्धास पेंटेड ओवर देयर, या मोर देन 1000 बुद्धास, धक्का वगैरह लगाएंगे इसको, फिर अभी ईटे वगैरह लगा रहे हैं उसमें, देखते क्या होता है। भाई ये हमारा होम स्टे का एक छोटा सा रूम है, भाई लोग रेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे सारे रूम्स हैं, ये एंट्री है, ये एंट्री है, यहाँ से राइट जाके, और भाई बाहर दिखाने से पहले ना बता देता हूँ, अपडेट दे देता हूँ थोड़ा सा। भाई कल रात को पहुँच गए थे टाबू, थोड़ा लेट हो गए थे, 7:30-8 बजे पहुँचे थे, बिल्कुल लाइट नहीं थी, तो मैंने रात को व्लॉग नहीं किया, पर आपने थोड़ा बहुत वो देख लिया होगा रात को हम कहाँ बैठे हुए थे। तो वहाँ जहाँ रूम में हम बैठे हुए थे उसको कहते हैं तंदूर रूम, वो एक लिविंग हॉल की तरह होता है, वहीं पर सारे खाना वाना खाते हैं, वहाँ पर चिमनी की तरह होता है एक, वो जो पाइप था वुडन उससे जो है वो बाहर चला जाता है, एंड तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था कल की याद। आज मैं दिन में आपको दिखाता हूँ कि दिन में हमारे साथ क्या हो गया है। ताबो जाना था, 9 बजे निकलना था, ताबो मोनेस्ट्री, ओल्ड मोनेस्ट्री जाना था, फिर आगे काजा जाना था आज, पर हमारे साथ ना बहुत बड़ा सीन हो गया, दिखाता हूँ। भाई जैसा मैं कह रहा था ना, हमारे साथ हो गया सीन, क्योंकि रात को हो गई है धमाकेदार स्नोफॉल, थोड़ी थोड़ी शुरू हुई थी जब हम खाना खा के वापस जा रहे थे अंकल से बात करके, पर अब देखो भाई सब ढक चुका है, देखो यहाँ देखो सब ढक चुका है भाई बर्फ की चादर से, ऑल आइस, इतनी अभी भी हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है। आसपास एक व्यू दिखाता हूँ, ये देखो तो भाई, ये देखो मेरा पैर कैसे धस रहा है, यहाँ लिटरली इतनी ज्यादा बर्फ गिर चुकी है। अभी तंदूर रूम में जाके बैठेंगे, ब्रेकफास्ट वगैरह खाएंगे 9 बजे के करीब, वॉशरूम वगैरह जा चुके हैं, यहाँ इंडियन वॉशरूम है और पानी ज़्यादा इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि आप पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, यू हैव टू डू टिश्यूज़ और वेट वाइप्स, भाई काम चल रहा है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है, और ठंड में यहाँ पे एक ही वॉशरूम है, इंडियन वॉशरूम है, वही खुला है, एंड रोड पे देख लेते हैं भाई कितनी बर्फ़ है, रोड के क्या हाल है, क्योंकि अगर रोड के हाल खराब हुए तो भाई शायद वी कैन गेट स्टक। वो एक अगर हो जाता है तो भाई वो सीन हो जाएगा, और रोड के हाल देख लो भाई, रोड के हाल बेहाल है, बर्फ है ज़्यादा, और यहाँ तो फोटोग्राफी सेशन चल रहा है, रोड के हाल ख़राब है, मुझे लगता नहीं हम आगे तक अभी जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, क्या होता है अपडेट आपको मिल जाएगा। भाई तो जैसा मैं कह रहा था, दिस इज़ बेसिकली द तंदूर रूम, ये होता है चूल्हा, यहाँ अंदर लगती है लकड़ियाँ, और ये जो पाइप देख सकते हो आप, इससे पूरा सारा जो स्मोक वगैरह होता है धुआं वो बाहर चला जाता है। यहाँ पे सारे बैठ सकते हैं, वहाँ पे अगर आप हाथ मुँह धोना तो वहाँ धो सकते हो, गर्म पानी यहाँ से ऑल टाइम गर्म होता रहता है ये यहाँ पे, एंड ही ऑल्सो सेल्स दिस, शायद मैं ये लूँगा, बिकॉज ये जो एप्पल की यहाँ पे खेती वगैरह करते हैं अपर बेल्ट पे, तो ये ड्राइड एप्पल है, तो नीचे शायद ये लूँगा, और ऐसे टोपी, गरम वुलन टोपी, सॉक्स, और ये मफलर्स, ये सब भी बनाते हैं, तो जो इसका प्राइस है ड्राइड एप्पल्स का 200 रुपये, और जो मफलर वगैरह वो वेरी करते हैं प्राइसेस में, तो शायद मैं ड्राइड एप्पल्स लूँगा, मफलर वगैरह तो मदर बना देते, मम्मी बना देते मेरी, बट मैं ड्राइड एप्पल शायद लेके जाऊँगा यहाँ से, और रूम में भी बहुत ज़्यादा ठंड है, बाहर भी बहुत ज़्यादा ठंड है। मैंने एक्चुअली 4 लेयर कर लिए हैं आज कपड़ों की, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा चल रही है और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो भाई ये आया सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट, ये है आलू का पराठा, साथ में है मक्खन, अचार, और ये है अपनी चाय। चलो गर्मी पूरी हो रही है भाई, बढ़िया खाना, और ये हमारे ड्राइवर भी है विनोद भैया, मस्त आदमी एकदम, और खाते हैं, अभी कोई आया नहीं है बाहर, लोग फोटोग्राफी करा रहे हैं भाई, अपनी हिम्मत नहीं है, अपन खाएंगे। Thank you.
आप वो मोनेस्ट्री, ओल्ड मोनेस्ट्री जो है यहाँ की, वहाँ पहुँच चुके हैं। आसपास जो है वो व्यू देख सकते हो आप, वो एंट्रेंस थी, यहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है। लुकिंग स्मार्ट एंड वाइट यार। यो ब्रो, बहुत बढ़िया। फोटो भी ले लो फिर। फोटो भी ले लेते हैं यार, यहाँ अंदर चलते हैं, अंदर खिंचवाएंगे थोड़ा ना। यहाँ से देखो पूरा सारा स्नो कैप्ड। आगे चलते हैं क्योंकि अरे नहीं, टाबू ये वाला मोनेस्ट्री, टाबू मोनेस्ट्री इज द ओल्डेस्ट ना। हाँ, तो टाबू में देयर टू मोनेस्ट्री बेसिकली। वन इज द ओल्डेस्ट व्हिच इज लाइक ऑलमोस्ट 1000 इयर्स द वन वी आर विजिटिंग। या हां, एंड फिर एक न्यू मोनेस्ट्री भी है जो अभी बंद है। इट्स ओपन इन समर्स। समर्स में खुला होता है। एंड दिस टावर टाउन इज क्वाइट प्रीटी क्वाइट राइट नाउ इन द समर्स। इट्स क्वाइट लाइक दिस ओनली, but it's very noisy at night because of a lot tourists. Of dogs. Because of a lot of dogs. अच्छा अच्छा अच्छा, but tourists भी ज़्यादा होते होंगे ना उस समय? हाँ, tourists normal tourists होते हैं। हाँ। बहुत ज़्यादा भी नहीं होते because it's like a sort of town square sort of a thing ना। यहाँ पे अभी हमें। तो information मिला, भाई से information मिलता रहता है यार, बढ़िया बढ़िया, because he keeps on visiting it. हाँ भाई, yes. Thank you auntie. बच गया। तो चलते हैं, देखते हैं, दिखाता हूँ। तो दिस इज अ बेसिकली स्टूपा एक तरह से, कल जैसे वो बता रहे थे अंकल जी। यहाँ पे किसी मेमोरी के लिए बनाया जाता है। दिस इज ओनली मतलब स्टूपा ही है ना, जैसे वो मेमोरीज के लिए जो बनाया जाता है। ये अब यहाँ फोटो वोटो खिंचाते हैं आसपास, देख सकते हो सारा। चलो यार, फोटोज वगैरह खिंचाते हैं, और फोटोज वगैरह आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। भाई के इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लो, भाई के बहुत फॉलोअर्स हैं। जब भी भाई इंस्टाग्राम का क्या है, पहले इधर सुन लो, पहले इंस्टाग्राम बता दो ना। द ई टी एल आर ब्लॉग, ईट ट्रैवल लिव रिपीट, ईट ट्रैवल लिव रिपीट। जहाँ पे आपके ऐसे मानीज लगे रहते हैं, यू शुड ऐसे करते करते वॉक करो भाई, एंड कीप चैंटिंग ओम मणि पद्मे हनुमान। So why do you do it? मतलब एक तरह जैसे हम लोग परिक्रमा करते हैं। हाँ, एक जैसे परिक्रमा करते हैं वैसे करते हैं। And plus it's like sending away. You are taking the blessings of. And वो जो मंत्रा है, मंत्रा भी आप giving it out में है। That's why if you see the prayer flags, उनमें भी ओम मणि पद्मे हम ही लिखा होता है। But it is advised not to put it at a stationary place. तभी if you see it hanging at वो door के panels पे ओपन में, ताकि हवा चलती रहती है, मंत्र फ्लोट रहते हैं, मंत्र जाए जी हवा में बेसिकली। तो भाई मैंने कहा था अगर अर्नब भाई साथ रहेंगे तो ज्ञान पूरा मिलेगा हर चीज के बारे में, दैट इज गुड, नॉलेज होना चाहिए। दिस इज द ओल्ड मोनेस्ट्री। This is like almost 1000 years old. आगे जाके explore करते हैं। भाई देखो, तो these are the oldest stupas जो ये बने हुए हैं rocks के, और ये बर्फ बहुत डर लग रहा है चलने में। पीछे पहाड़ बहुत बड़े बड़े और ये stupas हैं। So बेसिकली दिस इज द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री, और ये ऑलमोस्ट 1996 में बनी थी। 1996 बोल रहा हूँ, 1996 में। तो इतना पुराना, ऑलमोस्ट 1000 साल पुरानी है ये मोनेस्ट्री। दिस इज द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। यहाँ पे देखो पूरा व्हाइट चादर है भाई। इट्स इसी जगह पे आके ना एक हिस्ट्री एक्सप्लोर करना, जो अंकल ने हिस्ट्री बताया था वो बहुत मजा आता है। तो एक अलग एक्सपीरियंस है यहाँ पे भी आने का। चलो है इतना ही, इसके अलावा नहीं है भाई। तो मेरे पीछे जो है ये जगह, ये है मेन ओल्ड मोनेस्ट्री का सारा अंदर
एनलाइटेंड गॉड्स की मूर्तियाँ पड़ी हैं, बुद्धा की मूर्ति पड़ी है, मूर्ति बनाई हुई है, एंड महाकाल जो इन होते हैं प्रोटेक्टर ऑफ द टेम्पल टेम्पल उनकी मूर्ति है। वो दूर से दिखाते हैं, अंदर जाना अलाउड नहीं है, अंदर रिकॉर्डिंग भी अलाउड नहीं है, बहुत डार्क है। एनीवे मैं रिकॉर्ड करता भी तो भी नहीं आता कुछ, पर अलाउड नहीं है, तो आना पड़ेगा और ये विजिट करना पड़ेगा। इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल। हाँ डिटेल्स बोल दे भाई। क्या गाइस, इट इज वेरी आर्टिस्टिक एंड इट्स ऑल पेंटेड विद नेचुरल पेंट्स, सो लाइट्स इस्तेमाल नहीं करते हैं, इट्स जस्ट नेचुरल लाइट। एंड देयर आर मोर देन 1000 बुद्धास पेंटेड ओवर देयर। या मोर देन 1000 बुद्धास, इट्स अ ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक पुनिस्ट्री एंड बहुत सालों से, बहुत हजार ऑलमोस्ट हजार सालों से तो अभी तक वो मेंटेन करके रखा हुआ है। तो भाई ये मोनेस्ट्री है यहाँ पे टाबू में, ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री, न्यू मोनेस्ट्री सिर्फ गर्मियों में खुली होती है, विंटर्स में बंद होती है। जाकर उस चूपा पे फोटोज़ वगैरह आपने देखा होगा, वहाँ वो जो है वो सिर्फ गर्मियों में खुला होता है, जो आगे दिखाया था। अभी हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं, 2 घंटे का ऑलमोस्ट रास्ता है काजा के लिए। 3 घंटा समझ, 3 घंटा बर्फ है तो भाई 3 घंटे भी लग सकते हैं, यहाँ से 30-35 किलोमीटर है काजा। तो अब सीधा भी ट्रैवलर में चलेंगे, काजा चलेंगे। भाई तो भी एक स्टॉप लिया काजा जाने से पहले रास्ते में ही, और ये व्यू देख लो भाई, क्या मजेदार व्यू है यार। तो ड्रोन उड़ा रहे उस आगे के, फटाफट से चलते हैं, ड्रोन उड़ा रहे हम और मजा आएगा। बताना कैसे लगे ड्रोन शॉट्स यहाँ पे। अभी काजा के तरफ जा रहे हैं हम, व्यू दिखाता हूँ, थोड़ी सी आगे आए हैं और ये अपना जो बस है वो आगे इनोवा भी है और ये अटक गया है थोड़ा सा, तो अभी धक्का वगैरह लगाएंगे इसको, फिर अभी ईंटे वगैरह लगा रहे हैं उसमें, देखते क्या होता है, निकलेंगे। और ये व्यू है, साइड में नदी चल रहा है यार। दिस स्पीति रिवर, हाँ स्पीति रिवर, साइड में स्पीति रिवर है, पानी देख लो यार, इतना क्लियर वाटर है ना, नीला नीला सा, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखो आसपास इट्स ऑल स्नो कवर्ड, पानी नीला नहीं है, पानी है क्लियर, पानी क्लियर है, वो नीचे एकदम क्लियर पानी है, वो नीचे जो है ना उसकी वजह से वो नीला रिफ्लेक्ट करता है, ऊपर की वजह से, आसमान की वजह से, आसमान की वजह से आपको एकदम वहां पे क्लियर पानी है ना। हां पत्थर, पानी का तो कलर होता ही नहीं यार, वही तो कलर होता ही नहीं, उसमें मिट्टी घुसा जो मैला लगता है, मिट्टी घुस जाए तो मेला लगेगा, और कहीं जैसे टर्कोइज ब्लू लगता है, और एल्गी होता है तो ग्रीन आपके जैसा लगता है, प्लस आपका रिफ्लेक्शन एल्गी ज्यादा होता है नीचे तो ग्रीन टाइप का लगता है। तो भाई बहुत ज्यादा सुंदर व्यू है, अब इसका देखते हैं, अभी थोड़ा जुगाड़ पानी कर रहे हैं।